जाकू राखे साइया मार सके ना कोई, देखिए इस रिपोर्ट में। यह कहावत उस समय सच हुई जब छाता NS2 शुगर मिल के सामने एक ट्रैक्टर ने दूसरे ट्रैक्टर में अनियंत्रित होकर टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि दूसरा ट्रैक्टर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। जिस ट्रैक्टर ने टक्कर मारी, टक्कर चालक का कहना था कि ट्रैक्टर में लगभग 2000 ईंटें भरी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ जो ट्रैक्टर साइड में खड़ा हुआ था उस पर एक बुजुर्ग बैठा हुआ था, लेकिन गनीमत यही रही कि ट्रैक्टर पर बैठे हुए बुजुर्ग बिल्कुल सही सलामत रहा और उस बुजुर्ग को कोई चोटें नहीं आई और उनका ट्रैक्टर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। जब हमारे पत्रकार साथी ने ट्रैक्टर ड्राइवर से बात की तो उसने बताया कि वह छटीगरा से ईंट भराकर कोसी की तरफ जा रहा है। रास्ते में कुछ महिलाओं के ट्रैक्टर के सामने आ जाने से अचानक ट्रैक्टर को मोड़ना पड़ गया, जिसकी वजह से यह बहुत बड़ा हादसा भी टल गया। दोस्तों आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल, मैं आपके साथ भगत सिंह चौधरी। बड़े बूढ़ों की कहावत है, बड़े बुजुर्ग कहते आए कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई, वही एक दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। मैं अपने साथी से कहूँगा कि दिखाएं कि इस ट्रैक्टर की स्थिति क्या है, इस पे जो बुजुर्ग ताऊ बैठे हुए थे वो बाल बाल बचे हैं, और यही कहावत है कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई। मैं आपसे बात कराता हूँ, आप थे इस ट्रैक्टर के ड्राइवर, क्या भरा हुआ है इसमें ट्रैक्टर में? ईंटें भरी हुई। ईंटें भरी हुई, कहाँ से लेके आ रहे थे? छटीगराज से। तो बताएं कि ये कैसे एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट क्या, वो लेडी रोड क्रॉस कर रही थी तो वो एकदम आगे आ गई, आगे आ गई तो ट्रैक्टर में लग गया ट्रैक्टर। अच्छा, इस ट्रैक्टर पे कोई बैठा हुआ था? ताऊ बैठे हुए थे। ताऊ बैठे हुए थे, तो आपने इसमें ईंटें भर रखी, कितनी ईंटें होंगी? 2000। ये माना जाए कितना वजन होगा इन ईंटों में? 8-9 टन वजन होगा। आप ये ट्रैक्टर है जो कृषि के लिए होता है, ये बिजनेस के लिए नहीं होता है, आप जानते हो? जानते हो ना, फिर भी इस ट्रैक्टर से आप बिजनेस कर रहे हो। अभी ये बुजुर्ग ताऊ हैं, अभी इनको कुछ हो जाता, भगवान ना करे ये सेफ सलामत बच गए, तो क्या करते हैं आप, बताएं कहाँ के रहने वाले हो? छटीगरा। कितने दिन से कर रहे हो ये काम? अभी हुआ है काम चालू, अभी किया है। तो कहाँ ले जा रहे थे आप? कोसी जा रही हूँ। कोसी जा रहे थे, यानी भाड़े में ट्रैक्टर चला रखा है, ये कृषि यंत्र है, इसको आप भाड़े में यूज कर रहे हैं। तो बात करते हैं, बाबा हैं हमारे, बाबा इधर आओ आप, क्या नाम है बाबा आपका? मानसी। मानसी कहाँ के रहने वाले बाबा? इधर हो जाए। तो ये आपका ट्रैक्टर है जो क्षतिग्रस्त हुआ एक्सीडेंट में? शाहजी परिवार जनानी, जनानी रुक गए रोड पर, मैंने ट्रैक्टर रोक दिया यहाँ साइड में, इन पर कबर ना वो ट्रैक्टर है जो ये प्रयोग उठे तो वो जनानी मिलती है, तो जाने दियो ठाड़े ट्रैक्टर में, और आदमी है टेम्पू वाले हैं बहुत लोग हैं। अच्छा, आपका ट्रैक्टर यहाँ खड़ा हुआ था? ठाड़े में दियो। आप ट्रैक्टर पे थे कैसे? ट्रैक्टर पे ही था, मैं चला रहा हूँ ना। चला रहे थे, तो बताओ अभी अभी बहुत बड़ी घटना हो जाती तो क्या मानते हो आप इसको? ठाकुर जी करते करते मैं तो खाट ले जा रहा हूँ खेत में। अच्छा था, ये हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े बूढ़े हैं जो ट्रैक्टर चला रहे थे, इसलिए बड़े बूढ़ों की कहावत है कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई। छाता से भगत सिंह चौधरी।